ठीक है सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है देखिए वो एफ आई एस के जो एक दिन की बड़ी बाइंग थी वो फुटसी रीबैल की वजह से थी आ, लेकिन अभी भी बाइंग इंटैक्ट है आ, कल भी चार सौ करोड़ की बाइंग है इवेंचुअली और डी आई एस ने भी कल हज़ार करोड़ खरीदा बार्स आएंगे आपके स्क्रीन पर तो अब आप, आपको कल दोनों ग्रीन बार्स दिखेंगे उससे पहले दिन वो जो एफ एफ आई का बड़ा ग्रीन बार था और डी आई आई का बड़ा रेड बार था इंडेक्स फ्यूचर्स में कल कुछ खास एक्शन था नहीं सिर्फ 188 करोड़ की बाइंग थी सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चार पाँच हज़ार करोड़ की आदत हो गई है स्टॉक फ्यूचर्स में 800 करोड़ की बाइंग थी अभी चारों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग है तो आज एक रिस्क है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का आज मुझे लग रहा है हायर लेवल पर आज गैप अप को चेज़ मत करिए पहले ही सेटअप बता रहा है आपको कि आज गैप अप को मत चेज़ करिए आज मार्केट में आज मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एक बार के लिए इंटरने में आप भी दिखा दें तो उसके बाद बाइंग आएगी तो वो अलग बात है एनी anyway, इंडेक्स फ्यूचर्स में देखते हैं क्या हुआ सिक्स करोड़ बैंक निफ्टी में बाइंग हुई और एटी करोड़ निफ्टी में सेलिंग हुई बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रागर है ये बात लगातार हो रही है इस चैनल पर इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर वो जो परसों का 9000 करोड़ का बाय नंबर था वो थोड़ा सा एक अपवाद था अदरवाइज कंसिस्टेंटली 200 300 400 करोड़ के करीब का नंबर है आ, कल का वन करोड़ का नंबर है कल हुआ क्या सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग था कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बढ़े कल लॉन्ग बढ़े करीब करीब बारह तीन नौ और शॉर्ट बढ़े करीब करीब बारह दो तो परसेंटेज वाइज में तो एक्चुअली शॉर्ट ज़्यादा बढ़े कल क्योंकि लॉन्ग का नंबर बहुत ज़्यादा है और वो आपकी स्क्रीन पर आएगा वो ग्राफ देखिए थोड़ा सा नीचे फ्लैट हुआ है और टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो आप 76 परसेंट नेट लॉन्ग से अब 75 परसेंट नेट लॉन्ग पर आ गए नेट कॉन्ट्रैक्ट का नंबर लॉन्ग लौ, अभी बढ़ा है बल्कि लेकिन परसेंटेज में आप थोड़े से कम आ गए इंडेक्स ऑप्शन का आंकड़ा उसमें कुछ खास है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं इंडिया विक्स कल आठ ऊपर था यह एक और इंडिकेशन है कि मार्केट आज शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तैयार है क्योंकि अब छब्बीस पर भी है थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पर और निफ्टी का पुटकॉल रेशो भी एलिवेटेड है वन पर है बैन की जहाँ तक बात है आशीष दो स्टॉक्स बैन में आ गए ए पी एफ आर एल और वोडा आइडिया और इंटरेस्टिंग था वोडा आइडिया जिस तरीके से कल मूव थे उसके और एक बैन से बाहर आ गया आर बी एल बैंक और वो लिस्ट आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर जहाँ लॉन्ग शॉर्ट थे ए बी एफ आर एल बैन में तो आया लेकिन सबसे ज़्यादा लॉन्ग वहीं बने थे कल कल वहाँ पर करीब करीब थर्टी नाइन परसेंट का ओ, ओपन इंटरेस्ट था ये आरती इंडस्ट्रीज में अच्छा ये एफ एंडो बैन जो ऑलरेडी बरकरार है वो इसको छोड़ दीजिए लॉन्ग शॉट पर आ जाइए सबसे ज़्यादा लॉन्ग बने थे ए बी एफ आर एल में उसके अलावा यू बी एल में और सबसे ज़्यादा शॉर्ट बने थे एल लैब्स और और फार्मा में आ, तो ये कुल मिलाकर सेटअप है सेटअप ठीक है लेकिन सेटअप आज एक चीज़ मुझे कह रहा है कि आज आप गैप अप को चेज़ ना करें आज आप वेट करें मार्केट को कि फ़र्स्ट सपोर्ट पर आए और हो सकता है कि एक बार के लिए मार्केट फर्स्ट सपोर्ट पर आ जाए पोजिशनली लॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एग फ्रेश लॉन्ग बनाने के लिए ये सेटअप जो है इन लेवल्स पर ठीक नहीं है